इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप ग्रवाल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सुधा भार्गव द्वारा लिखित कहानी बात्सल्य के धागे। तो आइए कहानी को पढ़ते हैं। विलियम ने बड़ी आशा से भारत की भूमि पर कदम रखे। चलते समय उसके भाई ने कहा था, भारत के गांवों में जाना, वहां की गरीबी इंसान को समूचा निगल लेती है। ईश्वर ने चाहा तो किसी झोंपड़े के आगे तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। 2-3 दिन से विलियम लगातार भटक रहा था। उसकी गोरी चमड़ी को देखकर ग्रामीण महिलाएं कतराने लगती या दरवाजा बंद कर लेती। एक दिन वह चलते चलते थक गया और साधारण सी झोंपड़े के आगे रुक गया। दस्तक देते ही घर के मालिक ने दरवाजा खोला और पूछा, तुमको क्या चाहिए? पानी पिला दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी आवाज गृहिणी ने सुन ली। वह पानी का गिलास लेकर अतिथि के सामने आई। इतने में बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज कान के पर्दे फाड़ने लगी। औरत ने लजाते हुए कहा, चारों भाई बहन ऊपर तलाके हैं, हर समय झगड़ा करते रहते हैं। इतनी छोटी सी झोपड़ी में 6 जन का गुजारा कैसे रहते हैं? अजी, हमें तो आदत है यहाँ की। आगंतुक वहीं बैठकर कुछ सोचने लगा। चिंता की रेखाएं उसकी ललाट पर छाई हुई थी। कुटिया में अभाव का एक छत्र साम्राज्य था। क्या मैं आपका कोई काम कर सकता हूँ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो, मैं महीनों से नहीं सो पाया हूँ। कुछ सोचकर वह चुप हो गया। 2 पल रुककर गला साफ किया और अस्फुट शब्दों में बोला, यदि तुम मुझे अपना एक बच्चा दे दो तो मैं उसके बदले में तुम्हें इतना रुपया दूंगा कि तुम्हारी और तुम्हारे तीनों बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी, मेरा और मेरे बच्चे का जीवन भी बच जाएगा। जब आपका एक बच्चा है तो मेरा बच्चा क्यों लेना चाहते हैं? मेरे बच्चे का एक गुर्दा बेकार हो गया है। अस्पताल में गुर्दा मिलने वालों की सूची में उसका नाम है, पर उसका नंबर आते आते 2 वर्ष लग जाएंगे। वह तो मौत से लड़ रहा है, 2 वर्ष का क्या इंतजार करेगा? मगर मेरे बच्चे से तुमको क्या चाहिए? उसका गुर्दा। गुर्दा देने के बाद क्या मेरा बच्चा बच सकेगा? यह मैं कैसे कह सकता हूँ? तब श्रीमान, एक को बचाने के लिए दूसरे को मौत की खाई में ढकेलना कहाँ का न्याय है? हम गरीब जरूर हैं, पर प्यार के धागों में गुथे हुए हैं। सुनने वाला उन धागों में उलझ कर रह गया। एजुकेटर इंडिया।